फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी साथियों को। आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ईयर सेंटर में हम एक बार पुनः स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक संक्रामक बीमारी के ऊपर, जिसके पेशेंट लगातार हमारे पास बढ़ते चले जा रहे हैं, बल्कि हर जगह बढ़ते चले जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इसका सीजन ही चल रहा है। अगर सही समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, बचाव पर ध्यान नहीं दिया गया, तो यह संक्रामक जो बीमारी है ये जानलेवा भी हो सकती है, घातक हो सकती है। फ्रेंड्स, इसलिए सही समय पे इसमें जागरूकता की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर जागरूकता इसमें से है और इसको हमने ध्यान दे दिया, ये बीमारी ठीक हो सकती है और जो लोग बचे हुए हैं उससे संक्रमित ना हो पाए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि यह संक्रामक बीमारी क्या है, किस प्रकार से फैलती है और इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं, इसके बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं और बेस्ट इसके उपचार यानी कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। फ्रेंड्स, उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने लोगों में ज़रूर पहुँचाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूनिक आपके लिए होने वाला है। बहुत ज़्यादा इसके केस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और निश्चित तौर पर यह जो बीमारी है ये बहुत ही घातक है और ये जो बीमारी है फ्रेंड्स, इसको बहुत जल्दी इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, नहीं तो लगातार ये हमारा जो ब्लड है वो संक्रमित हो जाता है, हीमोग्लोबिन टूट जाता है, प्लेटलेट टूट जाता है और कई प्रकार के सिम्टम्स आ जाते हैं और पेशेंट के लिए घातक हो जाती है। तो जो बीमारी है फ्रेंड्स, इसका नेम है डेंगू फीवर, यानी कि एक संक्रामक बीमारी है जो कि एडीज एजिप्टी एक मादा मच्छर होता है, साथ ही जो डेंगू का मच्छर होता है उसके माध्यम से ये बीमारी फैलती है। ध्यान रखेंगे वो बीमारी को उसके अंदर ही इसका जो वायरस है नहीं पाया जाता, बल्कि जो संक्रामक व्यक्ति हैं जब उसके ब्लड को वो चूसने जाती है और उसके बाद एक हेल्दी पर्सन के पास हो जाती है और उसमें जब डंक मारती है तो जो संक्रामक जो उसने ब्लड को चूसा है वो एक हेल्दी पर्सन में जाता है और ये बीमारी इस तरीके से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे लोगों में होना शुरू हो जाती है और एक डेंगू का माहौल निर्मित हो जाता है। फ्रेंड्स, यानी कि जो बीमारी है, अभी आज का ही केस है कि हमारे यहाँ के जो हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, करीब 400 के आसपास वहाँ पे केसेस हैं साथियों, रनिंग में हैं और उसी के देखने के बाद हम इसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। फ्रेंड्स, तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जब संक्रमित डेंगू मच्छर यानी कि जिसको अपन एडीज एजिप्टी बोलते हैं ये काटता है तो लगभग 4 से 5 दिनों के बाद लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। पर ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इस मच्छर के काटने भर से ये वायरस नहीं फैलता। जैसा कि अपने शुरू में बताया कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन को अगर वायरस ये मच्छर काटता है तो जो उसके अंदर वायरस मौजूद हैं वो उस मच्छर के माध्यम से, यानी कि वो मच्छर जो मादा एडीज एजिप्टी है वो क्या करती है कि एक हेल्दी पर्सन में पहुंचा देती है और वो भी इससे इन्फेक्टेड हो जाता है और उसके भी शरीर के अंदर से 4 से 5 दिनों के अंदर, 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर बीमारी के लक्षण देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो मच्छर हैं इनकी जो प्रजातियां हैं लगभग 3500 से ज़्यादा इनकी प्रजातियाँ हैं साथियों, प्रकार के मच्छर पाए जाते हैं, जिसमें से कि होता क्या है कि ये जो मच्छर होते हैं ये खून चूसते हैं, वो चाहे जिसका हो, जानवर का हो, इंसान का हो, किसी भी प्राणी के खून चूसते हैं और उसी से अपना ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं और जो अपना प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसको ये संपन्न करते रहते हैं। तो जैसा कि अपन ने बताया फ्रेंड्स कि हमारे चारों तरफ मच्छर ही मच्छर हैं, इनकी बहुत सारी प्रजातियां हैं। डेंगू मच्छर जो होता है फ्रेंड्स, ये जो मच्छर है वैसे भी आप देखें कोई भी मच्छर हो, आपने देखा होगा कि सुबह और शाम जैसे सूर्योदय होना शुरू होता है और शाम को जैसे सूर्यास्त होता है उस दौरान मच्छर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप किसी भी जगह पर खड़े रहिए तो बिल्कुल एकदम लपट जाते हैं और उनकी आवाज़ भी लगातार गूंजती रहती है, आपने देखा होगा, पूरे तरीके से लपट जाते हैं। लेकिन जैसे सुबह और शाम का वक्त ढल जाता है तो इनकी मात्रा आपको कम देखने को मिलती है, यानी कि उस समय ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ब्लड को चूसते हैं और प्रजनन करते हैं शाम और सुबह के समय। तो हमें 24 घंटा बचने की ज़रूरत होती है, लेकिन सुबह और शाम विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है, विशेष बचने की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, क्योंकि उस दौरान ये काटते हैं। और ध्यान रखेंगे ये जो मादा एडीज एजिप्टी है वही इस वायरस को फैलाती है। फ्रेंड्स, डेंगू में जैसा कि अपन बता कि चीते जैसा इसकी जो मादा मच्छर होती है जो फैलाती है, जिस प्रकार से चीता में सफ़ेद सफ़ेद स्पॉट बने रहते हैं उसी प्रकार से इसके भी शरीर में सफ़ेद स्पॉट रहते हैं और जो पैर होता है पैर में सफ़ेद और काले स्पॉट बने रहते हैं, वो इसकी पहचान है साथियों। और पुरुष के तुलना यानी कि जो मेल मच्छर है
उसके तुलना में जो फीमेल है वो थोड़ा सा साइज में बड़ी होती है। तो फ्रेंड्स आगे बात करेंगे कि ये जो मच्छर है तैयार कहाँ से होते हैं। इनका जो प्रजनन क्षेत्र होता है उससे करीब 200 मीटर के आसपास ही ये रहते हैं। इनका जैसे आपने देखा होगा जो कूलर का पानी जमा हुआ है, गमले में पानी जमा हुआ है, या कि ऐसे जगह पर पानी जो जिसका कि निकास नहीं हो रहा है, नाली में है, सेप्टिक जगह पर जहाँ पर कोई चीज़ सड़ा गला सड़ रहा है लगातार और वहाँ पर पानी है, तो उस जैसे जगहों पर इसका जो प्रजनन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसी आसपास रहते हैं फ्रेंड्स, और उसी से ये तैयार होते हैं। ये ज्यादातर नम और छायादार जैसे जगहों पे इनका ग्रोथ होता है और इनका जो लार्वा है वो डेवलप होता है साथियों। तो इन चीजों का हमको ध्यान रखना है। इसका जो मच्छर होता है वो ज्यादा उड़ नहीं पाता फ्रेंड्स, इसे लोअर पार्ट यानी कि एल्बो रीजन और एंकल रीजन में ये ज़्यादातर काटते हैं, खासकर मतलब हमारे शरीर के आधे हिस्से के नीचे ही ये उड़ते हैं, ये ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाते, इसलिए इसको कवर करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करेंगे साथियों कि जब ये इन्फेक्ट कर देते हैं, जब ये काट लेते हैं, तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं कि इसको हम समझ जाएं कि हमको डेंगू फीवर हो चुका है। देखिए कई कारण हो सकते हैं जो हम सिम्टम्स बताएंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेंगू ही है, और भी कारण हो सकते हैं, तो जब जाँच होती है उसके बाद ही पता चलेगा फ्रेंड्स। तो जो डेंगू फीवर में जो सामान्यतः लक्षण देखने को मिलते हैं वो बुखार, तेज़ बुखार रहती है, लगभग 104-105 डिग्री के आसपास, फारेनहाइट के आसपास ये पहुंच जाती है, और इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है फ्रेंड्स। दर्द कहाँ कहाँ होता है? आँखों में, पिछले पोर्शन में होता है फ्रेंड्स, जोड़ों में, हड्डियों में ये बहुत ज़्यादा होता है, मसल्स में क्रैम्पनेस लगातार बन जाता है, बेतोड़ मतलब ऐसा लगता है कि हमारी हड्डी टूटी चली जा रही है, ऐसा दर्द महसूस होता है, इसका पिक्यूलियर सिम्टम्स है। पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा फ्रेंड्स, जबकि सामान्यतः बुखार में पेट में दर्द नहीं होता है, लेकिन इसमें पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इसमें उल्टी और मिचली लगातार बनी रहती है फ्रेंड्स, और दर्द के साथ साथ, और आपको लगेगा कि हम थूकते रहें, उल्टी करें, ऐसे सिम्टम्स आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। त्वचा में चकत्ते पड़ना शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स, खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, ये कई चीज़ें आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं कि हमारे आसपास ये किसी को ना हो, हमें ना हो, हमारे परिवार में, हमारे आसपास वातावरण में, और हमारे माध्यम से सभी लोग जागरूक हो सकें। उसके लिए आपको क्या क्या संदेश देना है और क्या क्या बचाव करना है, इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, अब शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़ गया, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब तो पहली क्लास से एक ऐसा समझ सकते हैं, बच्चा प्री स्कूलिंग भी ये चीज़ जानता है कि हमको अपने आसपास हाइजीन यानी कि साफ सफाई रखने की जरूरत होती है। हम किसी भी प्रकार की चीज़ों को सड़ने ना दें, कोई भी चीज़ हो, बेस्ट चीज़ों को हम उसको जो जहाँ है उसको उस जगह पे हम सुरक्षित कर दें। कचरा जो गाड़ी आती है उसमें हम डाल दें, उनको सही जगह हो उसको सुरक्षित कर देते हैं। और निश्चित तौर पर हमें आसपास पानी को नहीं भरे रहना देना है फ्रेंड्स, खासकर जैसे टायर है, कूलर है, और आसपास के जो नालियां हैं, एक किसी कारण से पानी में भराव भी है तो उसको हमें नष्ट कर देना चाहिए। उसमें से कई प्रकार की नगर निगम के माध्यम से या गवर्नमेंट के माध्यम से आपको दवाइयां मिल जाती हैं, जो उस पानी में आप डाल दें तो वहाँ पे किसी भी प्रकार के जो बैक्टीरिया है और मच्छर हैं, जो हार्मफुल चीज़ें हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। खासकर मिट्टी का तेल है वो भी डाला जाता है ना, कई प्रकार की वैक्सीन आती हैं उसको डाला जाता है फ्रेंड्स, और भी कीटनाशक चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि हम वो चीज़ निर्मित ही ना होने दें, किसी प्रकार के कूड़ा करकट जहाँ पे सड़न पैदा हो रही है उन चीज़ों को वहाँ पे जमा नहीं होने देंगे। पानी और घास फूस जहाँ पे कोई भी चीज़ इन्फेक्टेड है उसको हम आसपास से दूर करने का कोशिश करेंगे, और वो चीज़ें वहाँ पे ना हो, इस चीज़ों हमको ध्यान देने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ सोते समय या कि जहाँ पे आप बैठते हैं और आपको शंका है तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें फ्रेंड्स। मच्छरदानी बहुत ही अच्छा साधन है, आप इसको लगा लेते हैं तो मच्छर के अलावा कई प्रकार की मक्खियाँ हैं, हाँ चिड्डे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसके अंदर नहीं जा पाती और आप सुरक्षित हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम हेलमेट लगा के चलते हैं उसी प्रकार से मच्छरदानी काम करती है, कमरे के अंदर, घर के अंदर, या कि जहाँ भी हम सोते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे मच्छरदानी और हेलमेट इनको दोनों को एक ही मान के चलिए, वो हमको एक्सीडेंट से बचाती है। और ये कई प्रकार के मच्छरदानी हार्मफुल चीज़ों से बचाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है, कई प्रकार के कीट पतंगों से बचाती है। खासकर बरसात ऋतु में आप देखिए कि बिस्तर के अंदर कई प्रकार के कीड़े घुस जाते हैं और काट लेते हैं, उनसे जलन होती है, चकत्ते पड़ जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। तो मच्छरदानी लगाना चाहिए, और कहीं भी आप रहें लगाने में क्या आ जाता है, बहुत अच्छा रहेगा तो आप उसको लगाएं। एंटीसेप्टिक का उपयोग करें, और आयल है ना, आयल लगाना चाहिए। अगर आप तेल लगाते हैं, शुद्ध सरसों का तेल, नारियल का तेल, आप उसको लगा के सोते हैं, बहुत अच्छा वो कार्य कर जाता है साथियों, उससे बचाने का कार्य करता है। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी को बीमारी हो गई है तो हम उसके लिए ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके होने पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको
तरल पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है, क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा रहती है, शरीर में डिहाइड्रेट हो जाती है, उसको हाइड्रेट करना पड़ता है, और उसके साथ साथ हमारा ब्लड सुरक्षित रहे, हीमोग्लोबिन और जो प्लेटलेट्स है वो डाउन ना होने पाए, इसके लिए हमको कोकोनट वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करते रहना है ना, जिसमें से विटामिन सी हो है ना, यानी साइट्रस फ्रूट का सेवन करना है। और नहीं कर सकते हैं तो उसका जूसेस लीजिए, एक साथ आप नहीं पी सकते तो 1 कप 2 कप, इस तरीके से 10 10 20 20 मिनट, आधा आधा घंटा के अंतर में करके आप लेते रहिए, जिससे शरीर हाइड्रेट रहे फ्रेंड्स, और शरीर को न्यूट्रिशन भी मिलता रहे। और उसके साथ साथ आप जल्दी से जल्दी इसका ट्रीटमेंट, जो उचित ट्रीटमेंट आपको लगे वहाँ पे पहुँचें और इसका ट्रीटमेंट आप कराएं। इसके साथ साथियों, आपको हमारे यहाँ की जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा काम करती हैं, इसके लिए सबसे पहले VAM2, VAN1 और A2, L1 और F2, इसके लिए ये HRMD बहुत अच्छा काम करती है। फिर फ्रेंड्स, आपको एक टिंचर का कम्बिनेशन भी आप बना सकते हैं, अगर तलबों में बहुत ज़्यादा जलन के साथ क्रैम्पनेस है तो एंडोग्राफी स्पैनिकुलाटा आप दीजिए। इसके साथ अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, मितली बहुत ज़्यादा है, पेट में दर्द है, तो स्वेटिया चिरायता आपको लेना है। और इसके साथ साथ लगातार हाथ पैर में दर्द के साथ साथ आँख खोलने की इच्छा नहीं हो रही है तो बैप्टिसिया आपको इस्तेमाल करना है। और मलेरिया ऑफिसिनलिस 200 CH इसके लिए बहुत अद्भुत है। अभी मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग ने जुलाई अगस्त सितंबर में हम लोगों ने कैंप लगा लगा के मलेरिया ऑफिसिनलिस 200 डिस्ट्रीब्यूट भी किया है और लोगों को पिलाया भी है, बहुत अच्छे उसके लाभ मिले हैं। तो इसको तत्काल आप लीजिए, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर के मार्गदर्शन में अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी कराएँ, जिससे आप जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो अच्छा लगा हो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।